हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यम्मी टमी। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चटपटे और खट्टे आमों की चटनी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। ये देखिए स्क्रीन पे इंग्रेडिएंट्स हैं, इसे आप नोट कर लीजिए। ये देखिए, ये हमने अपने 5 कच्चे आमों को अच्छे से धो करके ले लिया है। अब इसे पील करके और इसका जो है हम कद्दूकस करके ले लेंगे आम। ये देखिए, हमने अपने आम को अच्छे से छील लिया है, इसका मुंह काट के निकाले। कद्दूकस लेकर हम इसे अच्छे से कद्दूकस कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमें कद्दूकस करके अपना सारा आम जो है तैयार कर लेंगे। ये देखिए, हमने अपने जो है कच्चे आम को ग्रेट कर लिया है और ये वेट करने पे 250 ग्राम है। तो उसी हिसाब से हमने अपना चीनी भी ले लिया, ये भी 250 ग्राम ही लगेगा। बस हमने लिया है 1/2 टीस्पून के करीब रिफाइंड ऑयल, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून के करीब हमने कॉमन सॉल्ट लिया है और ये हमने 1 टीस्पून जीरा लिया है, जो कि हम लास्ट में बन जाने के बाद फ्राई करके हल्का पाउडर बना के डाल। ये देखिए, पैन गरम हो गया है, हम इसमें डाल देंगे ऑयल। अब हम अपना ये जो ग्रेटेड मैंगो है इसको डाल देंगे। अब इसे हम 2 से 3 मिनट सौते कर देंगे। इसे पकाना नहीं है, बस इसे हम थोड़ा सा गला लेंगे। इसे 2 मिनट फ्राई करके फिर मैं आपको आगे बताती हूँ। देखिए, 2 मिनट हमने इसे थोड़ा गला लिया है। अब हम इसमें अपना शुगर ऐड करेंगे। शुगर ऐड करके इसे थोड़ा सा मिक्स करेंगे। अब हमारी चीनी जो है वो मेल्ट हो गई है, तो हम इसमें डाल देंगे अपना सॉल्ट और हम डाल देंगे रेड चिली पाउडर और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए, हमने थोड़ा सा फ्लेम बढ़ाया और ये हमारा सब कुछ अच्छे से मिक्स हो गया है। चीनी अच्छे से जो है वो पिघल के आम के साथ ब्लेंड कर दिए। अब हमें इसे एक जाम जैसी कंसिस्टेंसी मिलाना है, तो हम इसे ढक करके थोड़ी देर पका लेंगे, मीडियम फ्लेम से लो फ्लेम के बीच में। हाई फ्लेम पे नहीं, मीडियम फ्लेम से लो फ्लेम। तो इसे हम अब ढक लेंगे और हम इसे पकाएंगे 5 से 8 मिनट तक। जब तक जो है हमारा आम गल रहा है, हम दूसरे तवे पर अपना जीरा ले लेंगे और इसे लो फ्लेम पे ड्राई रोस्ट करके इसका पाउडर बना लेंगे। हमें अपने जीरे को जलाना नहीं है, तो हम इसे बंद कर लेंगे और फटाफट इसे हम अपने बोल में ट्रांसफर कर लेंगे। अब इसका एक दरदरा सा पेस्ट पाउडर बना लेंगे। ये देखिए, हमारा दरदरा सा पाउडर तैयार है, बस इसे हम आम के पक जाने पर एंड में ऐड कर लेंगे। ये देखिए, 5 मिनट के बाद ही हमारी जो चटनी है वो कितनी अच्छी जैम की कंसिस्टेंसी में आ गई है। तो अब हमने अपना जो है ढक्कन हटाकर फ्लेम को तेज़ कर लिया है और अब इसे थोड़ा सा ड्राई कर लेंगे ताकि जितना भी इसमें पानी है वो सूख जाए। और इसी स्टेज पर हम ऐड करेंगे ये कुटा हुआ भुना जीरा पाउडर। देखिए आप पैन को कैसे छोड़ने लगी है, एकदम जैम की तरह। बस इसे अच्छे से मिक्स करके ड्राई करके हम सर्व कर लेंगे। ये देखिए, हमने इसे सर्व कर लिया है इस तरीके से, थोड़ा सा चांदी का वर्क लगाकर। आप इसे अब एंजॉय कर सकते हैं। कभी भी जब ये ठंडा हो जाए तो आप इस तरीके के जार में इसे पैक करके रख दीजिए फ्रिज में। तो ये थी हमारी आम की चटनी, या फिर इसे आप आम का जैम भी कह सकते हैं। इसे आप फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं, 3 से 4 महीने तो आराम से रहेगी। आप इसे पराठे, रोटी या पूरी के साथ एंजॉय करिए, इसे ट्राई करिए, ट्राई बनता है। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में मुझे लिख कर बताते रहिए कि रेसिपीज कैसी लग रही है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।